पीथमपुर जैन समाज द्वारा सम्मेय शिखर जी को झारखंड सरकार द्वारा विशेष पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में मौन जुलूस निकालकर विरोध दर्ज करवाया गया है। विगत दिनों झारखंड सरकार द्वारा जैन समाज की आस्था के केंद्र इस धार्मिक सिद्ध भूमि को पर्यटन स्थल घोषित कर चुका है, जिसका पूरे भारत में जैन समाज विरोध कर रहा है। आज पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी जैन समाज द्वारा जैन मंदिर शिवाजी नगर हाउसिंग कॉलोनी से मौन रैली के रूप में पीथमपुर अनुविभागीय अधिकारी रोशनी पाटीदार को ज्ञापन देने निकले। वहीं रैली में समाज के लोग हाथों में तख्तियां लिए थे, जिसमें न पत्थर फेंकेंगे न बस चलाएंगे, अहिंसा के पुजारी है, शांति से तीर्थ बचाएंगे, जैसे नारे स्लोगन के साथ चल रहे थे। रैली पीथमपुर स्थित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंची, वहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। जैन समाज की आस्था का केंद्र है, जैन समाज की आत्मा है, जैन समाज के कण कण में समय शिखर जी बसा हुआ है। समय शिखर जी के हर कण को जैन समाज तीर्थंकर के रूप में मानता है और वहाँ की माटी को सिर पर लगाकर चंदन के समान सिर पर लगाता है। समय शिखर जी झारखंड सरकार द्वारा जो पर्यटन स्थल घोषित किया, उसका जैन समाज पूरे भारतवर्ष में संपूर्ण जैन समाज उसका विरोध कर रहा है और भारत सरकार से मांग करता है कि अतिशीघ्र इस निर्णय को वापस लिया जाए, अन्यथा जैन समाज अहिंसा का पुजारी है परंतु मजबूरी में हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। महावीर भगवान ने शुभ संदेश दिया था, जी और जीने दो, यह अधूरा है। उसके बाद लाइन है, जो जीने न दे उसको जीने भी मत दो। इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए अगर यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो जैन समाज उग्र आंदोलन, आमरण अनशन, किसी भी हद तक अगर जाना पड़ेगा इस निर्णय को वापस लेने के लिए तो जैन समाज जाएगा। पर्यटन स्थल घोषित होने से वहाँ पर मटन मांस गलत गतिविधियाँ चालू होगी, जिसका जैन समाज किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। इसी संदर्भ में आज पीथमपुर जैन समाज द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी रोशनी पाटीदार मैडम, CSP साहब को पीथमपुर जैन समाज, सकल जैन समाज द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है। जैनम जयति शासनम, अमृत जैन, पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।